नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी की क्लासेज की तरफ से करण जी के की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करण जी के की इस सीरीज में आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 पर बात करेंगे। आप इसको कह सकते हो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक व सामाजिक मामलों का जो जनसंख्या प्रभाव होता है उसके द्वारा ये सूची जारी की गई है। महत्वपूर्ण सूची है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले कुछ वैल्यू एडेड है वो मैं कराना चाहूँगा, आपके कमेंट्स भी मिले। कल जो अपनों ने इंटरनेशनल योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो सीरीज जारी की थी, 21 जून को मनाया जाता है, जो उस सीरीज में हमने ये चर्चा की थी कि 21 जून 2019 की जो थीम है ये योगा फॉर हर्ट्स है, हृदय के लिए योगा ये है। तो आपके कमेंट्स आए कि सर योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन है, इस तरीके से है। हाँ, जरूर कुछ अधूरा है, उस अधूरे को आज हम पूरा करेंगे। तो ये देखिए, हमने कल बात की थी 21 जून 2019 रांची, थीम योगा फॉर हर्ट। ये जो थीम है ये भारत के द्वारा है, भारत ने अपनी थीम खुद की रखी है। भारत का जो आयुष मंत्रालय होता है, आप कह सकते हो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये की गई है, आयुष मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा ये डिसाइड की गई है। तो भारत के द्वारा जो योग दिवस की जो 2019 के योग दिवस की जो थीम है वो योगा फॉर हर्ट्स है। और दूसरी जो थीम है ये है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन ये जो है यूएनओ के द्वारा है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, क्लियर। तो आप ये कह सकते हो कि 21 जून 2019 की जो थीम है ये दो थीम है, उस दो थीम में से भारत ने जो थीम रखी है वो है योगा फॉर हर्ट्स, भारत का आयुष मंत्रालय ने इसको रखा है, और दूसरी जो थीम है वो यूएनओ ने रखी है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण, इससे पहले दोनों नहीं रखी गई थी, ये पहली बार हुआ है जब ये दोनों रखी गई है। अब यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा और एक वैल्यू एडेड कराऊँ तो मैं आपसे एक लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए सऊदी अरब ऐसा देश है जिसने योग को खेल का दर्जा दिया है। ये शानदार क्वेश्चन है, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसने योग को खेल का दर्जा दिया है। और एक और चीज बता देता हूं, आयुष, इसकी सीडीएस में पूरा नाम पूछा गया है, आयुष का पूरा नाम। तो यदि हम आयुष के पूरे नाम की बात करें तो A4 बनता है आयुर्वेदा, मैं पूरा लिख देता हूं, आप एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो अपने आयुष के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा पूरा नाम इसका याद रखें, अपना मंत्रालय है ये, CDS में पूछी गई थी इसका पूरा नाम, A4 आयुर्वेदा, Y4 योगा नेचुरोपैथी एंड U यूनानी, S सिद्धा, H होम्योपैथी, ऐसे है ये, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मैं जो अपना आज का टॉपिक है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019, इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, इसमें कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को थोड़ा सा आपने याद रखना है। हालांकि देखिए, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट है, तो आप इस बात पर कतई न जाए कि ये संभावनाएं हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकते। पुराने पेपर जब हम देखते हैं एसएससी के, रेलवे के, तो इनमें ये क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो चालू करते हैं अपने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019। सबसे पहली बात तो ये जो जारी हुई है जून 2019 में, और ये जारी हुई है यूएन के, मतलब संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक मामलों, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर, सामाजिक व आर्थिक मामलों के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा, इसको पॉपुलेशन डिवीजन बोलते हैं। आप कह सकते हो पॉपुलेशन डिवीजन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर, ये कह सकते हो पॉपुलेशन डिवीजन, प्रभाग को डिवीजन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें। अब देखिए, इन्होंने जो ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें विशेष क्या है? सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो विश्व के संदर्भ में इसने क्या बात कही है, दूसरी हम ये बात कहेंगे भारत के संदर्भ में इसने क्या बात कही है। तो एक कॉलम बनाइए, यहां पे लिखिए विश्व की जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसको आप क्या कीजिए, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, साथ साथ बनाते रहें, चार पार्ट्स में डिवाइड करें। आंकड़े हैं थोड़े, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। 2019 2030 2050 और 2100 मतलब आपकी 22वीं शताब्दी आ जाएगी। 2019 में जो जनसंख्या बताई है ये है 7.7 बिलियन। अब देखो, ये बिलियन मिलियन ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैं नॉर्मल यहां बात करूं तो अरब, 7.7 अरब, ठीक है? आप इसका थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, 7.7 अरब। और 2030 में जो है ये हो जाएगी 8.5 बिलियन, 2030 में 8.5 बिलियन, और 2050 में 9.7 बिलियन, 9.7 बिलियन, और 2100 में, 22वीं शताब्दी में 10.9 बिलियन। ये बिलियन है, अरब बोलते हैं इसको, एक तो ये ध्यान रखें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है 7.7, 7, 8, 9, 10, 30, 50 ये है बिलियन, 7.7, 8.5, 9.7, 10.9। अब इसमें क्या है, एक परसेंटेज याद रखना भाई, ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि कोई हैरत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के आधार पर 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, और
2122वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, कोई हैरत वाली बात नहीं है। हम इसमें वैल्यू एड और देखें, क्योंकि वर्तमान में क्वेश्चनों का जो लेवल है काफ़ी बढ़ चुका है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इसकी बात करें भाई, इसमें कितनी ग्रोथ हुई, तो ये जो हुई है 10% की वृद्धि है। यदि हम 2030 तक देखें तो 10% की वृद्धि है। उसके बाद में यदि हम देखें भाई 2009 से, ध्यान से समझना मेरी बात को, 2019 से ये 2050 ये 26% की वृद्धि है, 26% की वृद्धि है। और इसमें देखें 2019 से 2019 से ये 42% की वृद्धि है। ऐसे है ये सारा, गौर से देखिए, 2019 7.7, 2030 8.5, 2050 9.7, 2100 10.9, ये बिलियन में है। और 2019 से 2030 तक जो वृद्धि दर्ज की गई है 10%, और 2019 से 2050 की में जो वृद्धि हो जाएगी वो 26% की, और 2019 से 2100 तक जो वृद्धि होगी ये 42% की वृद्धि होगी। क्लियर हुई बात सारी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये विशेष में पहला पॉइंट था। अब विशेष में दूसरा पॉइंट लिखिए, तक विश्व की 16% जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2050 तक विश्व की जनसंख्या, विश्व की जो 16% जनसंख्या है ये 65 वर्ष से अधिक उम्र की होगी, और इसका जो वर्तमान है 9%। मतलब आज जो विश्व की जनसंख्या में 50% से ज्यादा जो लोग रहते हैं वो 9% है, और 2050 में 16% हो जाएंगे। तीसरी जो बात की है इसने, प्रजनन दर, रिप्रोडक्शन रेट के बारे में बात की, रिप्रोडक्शन रेट, ध्यान रखें, 1990 में विश्व में प्रजनन दर, रिप्रोडक्शन रेट, ये है 3.2 जन्म प्रति महिला। मतलब जो रेट निकाली गई है एक महिला के द्वारा 3.2 जन्म, और 2019 में जो विश्व में प्रजनन दर निकाली गई है ये है 2.5 जन्म प्रति महिला। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि प्रजनन दर घटी है। प्रजनन दर, ये कथन सत्य असत्य में भी आ सकता है, कि हाल ही की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रजनन दर, विश्व की प्रजनन दर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, कमी हुई है तो ये सही। आपके सामने 3.2 1990 के दशक में थी, और आज की डेट में ये 2.5 है। तो ये विश्व के संदर्भ में हमने तीन तथ्य किए हैं।
एक तो हमने कहा कि विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रेट, उसके बाद में हमने जो दूसरा पॉइंट किया 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, तो ये कहती है कि 2050 के बाद वर्ल्ड में 65 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो 16% हो जाएंगे। आज की डेट में कितने हैं? 9%। इसी तरीके से प्रजनन दर 3.2, 2019 में 2.5। तो हमारे आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रजनन दर में कमी हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब मैं भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करूंगा। दरअसल देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जो बात है, दो पॉइंट है इसके महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, महत्वपूर्ण दो है पुराने पेपरों के आधार पर। और ये अभी जो वर्ल्ड के संदर्भ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये भारत के संदर्भ में है। तो आ जाइए भारत के संदर्भ में भाई क्या बात कही है। इसने दो सन याद रखने हैं आपने, एक तो 2027, एक इसने 2019 से 2050 की बात कही है। दो सन बताए हैं। एक तो इसने ये कहा है कि 2027 में भारत जो है ये होगा दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश, मतलब हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा इंडिया 2027 में, संभावना है यदि परिस्थितियां ऐसी चलती रही तो। और इसमें 273 मिलियन, नोट बिलियन ध्यान रखें, मिलियन की वृद्धि होगी। 2050 तक के आंकड़े की यदि हम बात करें तो 273 मिलियन की वृद्धि होगी भारत की जनसंख्या में। ये दो आंकड़े बेस्ट रहे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के तहत भारत किस वर्ष दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा 2027 में। पुराने पेपर देखते हैं तो एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 की चर्चा की और योग दिवस में कुछ वैल्यू एडेड किया। तो मैं थोड़ा वापस रिपीट कर दूं, योग दिवस की जो थीम है 21 जून 2019 की जो थीम है, भारत ने जो डिसाइड की है वो योगा फॉर हार्ट है, और जबकि यूएनओ ने जो डिसाइड की है ये योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन है। अपने आप में ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि दो थीम आ गई। अब कन्फ्यूजिंग होगी बच्चों को, तो सारी कन्फ्यूजिंग मैंने आपकी दूर कर दी है। और वैल्यू एडेड के रूप में अपनों ने ये भी बात की कि सऊदी अरब ऐसा देश है, पहला देश कह सकते हो, एकमात्र देश कहते हो जिसने योग को खेल का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में बात की अपनों ने, उसके तहत हमने कुछ आंकड़े किए 2019, 2030, 2050 और 2100 शताब्दी, कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि ध्यान रखिए, वृद्धि से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कितनी जनसंख्या होगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2027 में भारत सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है यदि परिस्थितियाँ ऐसे ही बनी रही। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप रिवाइज करें क्योंकि ये आंकड़े हैं, ये मस्तिष्क से जल्दी चले जाते हैं, तो इनको रिपीट करें।
ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बहुत कम याद रहते हैं, कम याद रहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि जिसके याद रहेंगे वो सिलेक्ट है, वो अपने कंपटीटर से आगे जाएगा। तो यही चीज़ें होती है जो हमें आगे लेके जाती है, क्योंकि दोस्तों यदि हम अपने कंपटीटर से आगे नहीं जाएंगे तो हम सिलेक्ट कैसे होंगे। खैर, इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका स्नेह यूं ही बना रहे। नमस्कार।